लाडली बहनों के फॉर्म कराहल बैंक ने फाड़े तो लाडली बहनों ने किया हाईवे पर चक्का जाम। खबर कराहल से है, जहां आज कराहल क्षेत्र की बहुत सारी आदिवासी महिलाएं खाते में डीबीटी कराने के लिए बैंक आई थीं, लेकिन अब उन्होंने खुद के फॉर्म कचरा बॉक्स में फटे हुए देखे तो सभी महिलाएं गुस्से में आ गईं और वहीं फटे फॉर्म लेकर कराहल तहसील पर प्रदर्शन करने पहुंच गईं। उनके आरोप थे कि उनके बैंक खाते में लाडली बहना योजना और कुपोषण के रुपये नहीं आ रहे हैं। बैंक वाले हमसे बार बार चक्कर लगवा रहे हैं, हर बार दूर दराज से आने में उनको बहुत खर्चा उठाना पड़ रहा है और अब तो हमारे फॉर्म भी बैंक ने फाड़ दिए हैं। ये सब घटना क्रम देख तहसीलदार रवीश भदौरिया ने उन्हें बैंक पर ही चलने को कहा। सभी महिलाओं का समूह बैंक के सामने ही मुख्य हाईवे पर फटे हुए फॉर्म सड़क पर डालकर सड़क पर ही बैठ गईं। खबर लगते ही आनन फानन में कराहल SDM सिकरवार मौके पर पहुंचे और पुलिस थाने से पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। महिलाओं को समझाने का प्रयास किया गया मगर महिलाएं जाम हटाने को तैयार नहीं हुई। इसी बीच जिला पंचायत CEO अतेंद्र गुर्जर भी वहां से निकल रहे थे, जो जाम में उनकी गाड़ी भी बहुत समय तक फंसी रही। इस बीच सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आपको बता दें कि SBI बैंक के जिम्मेदार अधिकारी अपनी सफाई में कहते नजर आए कि DBT अभी महिलाओं की बहुत पहले ही हो चुकी है, ऊपर से खाते में रुपए नहीं आए हैं, तो हम इन्हें रुपए कहाँ से दें। और ये जो फटे हुए फॉर्म जो हैं वो बैंक का कचरा था, जिन्हें ये महिलाएं डस्टबिन से उठाकर ले गई हैं। खबर सुनते ही कराहल पंचायत सरपंच पति गोपाल डोभा स्कर भी मौके पर पहुंच गया। उन्होंने प्रदर्शन कर रही महिलाओं से समस्या सुनकर SDM कराहल से चर्चा की, तब कहीं जाकर SDM और सरपंच के आश्वासन पर उन लाडली बहनों के सारे बैंक संबंधी काम 3 दिन में किए जाएंगे, तब कहीं लाडली बहनों ने जाम हटाया। ये जो आज हम मौजूद हैं यहाँ तहसील पर, ये देख रहे हैं यहाँ ये लाडली बहना योजना के फार्म, ये जो बैंक पर लेकर गई थी उसकी DBT कराने, तो DBT कराने की बजाय बैंक मैनेजर ने उनके कागज फाड़ दिए, ऐसे आरोपी महिलाएं लगा रही हैं। इन महिलाओं से मिलकर हम जानेंगे कि क्या ये बात सच है और क्या इनको परेशानी आ रही थी जिससे ये हरकत मैनेजर करने पर उतार हुए। जी क्या नाम है तुम्हारा? दुलिया। क्या मामला है, किस चीज के कागज क्यों फाड़ेगा? ये लाल लक्ष्मी के है, अब हम इनको खाते माते दे जा रहे हैं और फाड़ देते हैं। नहीं जी, कागज किस चीज के हैं, क्यों फाड़े गए हैं? लाडली बहना के। लाडली बहना के कागज आप बैंक पे किस लिए लेकर गई थी? मांग रही आज दे रहा है, हमें DBT खराब है ना, DBT कराने के लिए लेकर गई थी। और ये कागज किसने फाड़े, आपने देखे जी किसने फाड़े थे? और कोई फालतू आदमी बैंक बारे ही फाड़ेगे, और कौन फाड़ेगे? बैंक बारे ही फाड़ेगे, हम पैसे तो। ये महिलाओं ने यहाँ जाम लगा दिया है, ये इनका आरोप है कि स्टेट बैंक वालों ने इनके फॉर्म फाड़ दिए हैं DBT के। जी ये जाम क्यों लगा रखा है तुमने? DBT का फॉर्म को फाड़ का फेंक दे, जाम लगा दिया था। महिलाएं कह रही हैं कि बैंक मैनेजर, बैंक वालों ने इनके DBT के फॉर्म फाड़ दिए हैं, इसीलिए इन्होंने जाम लगा रखा है। और अब कुछ मौके पर अधिकारी आ गए हैं, तहसीलदार कराहल भी यहाँ आ चुके हैं, अब देखते हैं ये जाम कितनी देर तक चलेगा, क्या इनका निराकरण होगा। जी आप कब से चक्कर काट रही थी बैंक के? 4 दिन हो गए। 4 दिनों से बैंक के चक्कर काट रही थी? 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, हमारे दुकान पे आसान मारा थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये योजना है लाडली बहना योजना, जिसमें लाडली बहनों को यहाँ परेशान किया जा रहा है, वो रोड पर जाम लगाने के लिए भी मजबूर हैं। लगातार हम आपको अपडेट यहाँ देते रह रहे हैं। ये कुछ लोग भी हैं। जी जी क्या क्या मामला है, क्या मामला है? रामती DBT खराब आए। कितने दिनों से आ रहे हो आप DBT कराने के लिए? 4 दिन हो गए, फिरता है। 4 दिन से यहाँ DBT नहीं हुई है। और ये जो फार्म फाड़े गए, ये कौन ने फाड़े हैं? जी बैंक वाले ने। किसने? DBT कौन करता है बैंक में? ये बोल रहे हैं कि DBT करने वालों ने फाड़े। बैंक वालों ने एक आदमी बताओ, अपने निकाल के निकालो मेरे को। चुप हो जाओ, एक जनों बात करो इनसे सर से। मैं अभी चेक करवाता हूँ, पहले मेरी बात सुन लो। अरे मेरी बात तो सुन लो, मैं ये जितना भी है ना, वहाँ कचरा जो फेंकते हैं उसमें तो उठा के लेके आयो, मैं चेक करवा देता हूँ उनको। ये क्यों, ये महिला कहाँ है? ये महिला कहाँ है? ये वाली कर्मचारी है जो ये आ गए हैं। सर ये क्या मामला सर, ये जाम क्यों लगा? ये कुछ नहीं है, कचरे में उठा के लेके आए हैं, जो वेस्टेज निकलता है बैंक का वो है। ये सर का कहना है कि ये जो भी जो यहाँ फाड़ेगा डॉक्यूमेंट है, ये कचरा है,
ये जो डीबीटी के फॉर्म नहीं है या जो भी रिजेक्टेड फॉर्म है सर का ये कहना है, महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि ये कचरा नहीं है, महिलाएं आरोप लगा रही हैं क्यों मैडम ये कचरा है कि नहीं है? कचरा का नहीं है ये, कचरा का नहीं है, खल के है ये कचरा का नहीं है मैडम। ये मैडम कह रही है कि ये कचड़े का नहीं है, आप देख लीजिए ये फॉर्म है मैम का, है ना, ये कचड़े के नहीं है, ये उसी डेट के हैं, ये कह रही हैं मैडम, कह रही हैं सर ये कह रही हैं ये इसी में से निकाला है इन्होंने। चलिए शर्मा जी, ये क्या मामला है शर्मा जी? मामला ये इनका रुपया पैसों का मामला मतलब लेन देन का होगा, मैं तो अभी आया हूँ तो अभी उनको मतलब समझाया गया कि मतलब जो इनकी मतलब समस्या है, तहसीलदार साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप मतलब तहसील में मतलब चलिए अपनी मतलब क्या समस्या उसका निराकरण करिए। लड़का कहना है कि तहसील में चलिए जाम निकालिए, बेशक कहना भी इनका सही है कि जाम लगाने से क्या होगा। जी सर, नहीं धक्का देना कहते हैं सर ऐसे, जी आपकी लाइफ चल रही है आप कह रहे हो सर, नमस्कार सर, सर ये जो बैंक में लाइटी बनाई जा रही है, जो काम चरण ने फाड़ दी है सर, ये उसी का जाम लगा हुआ है सर, इसमें सर क्या आप अपनी राय रखते हैं सर? वो तो सर हमने देख लिया आप जाम की वजह से यहाँ पे फंसे हुए हो, लेकिन सर ये जो बर्ताव किया जा रहा है ये लाडली बहना की योजना है सर, सर कह रहे हैं कि अगर गलत हुआ होगा तो संबंधित इसका मतलब क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ नौसारा में कमा दूँ, इसका मतलब क्या हुआ? आज भी आप हम तीन दिन से फिर रहे हैं, इसको ना का डीवीडी कोई भी राशन कोई भी मतलब नहीं होता। अरे सर बात कर रहे हैं ना, सर बात कर रहे हैं, दो मिनट अब हम सर से मिल के जानेंगे कि क्या सर मामला था, क्या था? जी सर, क्या मामला के लिए लाडली बहनों के यहाँ फॉर्म दिए जा रहे थे, ऐसा इनका कहना है कि इनके फॉर्म फाड़ दिए गए, हमने मैनेजर से बात की है, उन्होंने फॉर्म नहीं फाड़े हैं, तो सबके फॉर्म जमा कर दिए, इनको समझाइश दे दी है, चूँकि संख्या में बहना है बहुत ज़्यादा है, स्टाफ की कमी है, इन्होंने आरएम से बात की है, तब से तो स्टाफ भी और हमने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि इनके सबके फॉर्म हम ले लेंगे और इनको समय बता देंगे कि किस तारीख को आना है, जिससे इनका काम आसानी से होगा। कार्यालय टीम द्वारा बहनाओं को समझा दिया है कि लाडली बहना के सारे काम किए जाएंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन कल्याणकारी ये योजना है, सर के आश्वासन के बाद महिलाओं ने जाम हटा दिया है। ठीक है जी, हमारे बीच मौजूद है कराल सरपंच पति गोपाल डो भास्कर जी, ये बताएंगे क्या मामला था, आदिवासियों से जुड़ा मामला है, लाडली बहना योजना कुपोषण योजना के कुछ फॉर्म फाड़ दिए गए थे मैं बैंक मैनेजर द्वारा, ऐसा महिलाओं ने आरोप लगाया है, सर बताइए क्या बात थी? सर लाडली बहना का ये चल रहा था, कुपोषण का पैसा इनके पैसे इनके खाते में आना था, जब तक डीबीडी ना होगी जब तक पैसा नहीं चल पाएगा, तो इसी चक्कर में ये पूरी क्षेत्र की महिलाएं या सभी पंचायतों की महिलाएं मतलब चार पाँच दिन से चक्कर लगा रही है, जब डेली ना बेचारी अपना काम धाम छोड़ छोड़ के बैंक में आ रही है, और बैंक मैनेजर या इनकी कमी से इनके काम हो नहीं पा रहे हैं, और पूरे स्टाफ ने मतलब जोड़ के मतलब पूरे फार्म इनके फाड़ के रोड पर पटक दिए, इसलिए उन्होंने जाम लगाया। जैसा कि देखिए लाडली बहना योजना या कुपोषण कोई भी कह लें, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक बहुत बड़ी योजना है, लाडली बहना योजना का जो प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं, उसके बाद में आप देख लीजिए एक फॉर्म भरने के लिए एक महिला को कम से कम 40 से 50 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, फोटो भी लगाने पड़ते हैं, फोटोकॉपी भी लगानी पड़ती है, उनके फॉर्म इस तरह फाड़ देना ये कहाँ तक उचित है सर? बेचारी गरीब मेला मजदूर है, एक तो अपना 5-6 दिन का काम छोड़ छोड़ के यहाँ रही, डेली उनको ये सी भगाया जाता है, और ना काम करना ना धरना इनका, और आज तो पूरा फॉर्म लेके इनको रोड पर फाड़ के फेंक दिया, इसलिए महिलाओं ने जाम लगाया, मेरे आने पर पंचायत पे मुझे फ़ोन लगाया, मैं पंचायत में बैठा था, मुझे बुलाया, मैंने इनको समझाइश देकर इनको समझाया, जब यहाँ की ये समस्या हल हुई है। कराल सरपंच पति जो हैं उन्होंने ये जाम निकलवाया अपनी सूझबूझ से, जी स्टाफ की कमी है, स्टाफ भी कुछ लापरवाही करता है इसमें, उसको मतलब अनपढ़ तो महिला है बेचारा, उनको बढ़िया तरीके से समझाया तो नहीं समझ में आया, मतलब उनको ढंग से समझाया नहीं जाता है, आदिवासी महिलाएं अनपढ़ हैं बेचारी, उनको अगर अच्छे बैठ के समझा जाए तो समझें थोड़ा सा, उनको वैसे भगा दिया जाता है। बिल्कुल सही बात, सरपंच साहब जो पति हैं सरपंच जी के, उन्होंने कही है कि महिलाएं अगर अनपढ़ हैं तो उन्हें समझाया जाए, मुख्यमंत्री भी जब ना
बैंक में स्टाफ नहीं मिल सकते।